हेलो स्ट्रेंड इस इज सोनिया धीमान हाव यू ऑल ओके बहुत अच्छी बात बढ़िया है सब चलिए शुरू करते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट वॉट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है रिप्रोडक्शन हम इसकी बात कर चुके हैं लाइफ स्पेंड क्या होता है देन इट इट विल भी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे बटरफ्लाई में वन टू वीक्स होता है क्रॉप फिफ्टीन ईयर्स क्रोकोडाइल की अगर बात करें तो सिक्सटी ईयर्स का होता है एंड द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज़ फिर हमने बात की थी किसके बारे में कि रिप्रोडक्शन अगर uh, हम देखते हैं तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर या जो आपके यूनिसेलर होते हैं उनमें किस तरीके से होता है जैसे आप अमीबा में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अमीबा रिप्रोड्यूस कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन बाइनरी फ़िशन में आप देख पा रहे हैं उसको देन यू कैन सी हीयर द ईस्ट द ईस्ट आर रिप्रोड्यूसिंग बाय द हेल्प ऑफ बर्डिंग आउट ग्रोथ आप यहां पर देख रहे हैं टाइम आने पर डी अटैच हो जाएगी धीरे धीरे करके इंक्लूजन इसमें आता जा रहा है आता जा रहा है आउट ग्रोथ तो धीरे धीरे करके डी अटैच हो जाएगी दिस इज बर्डिंग तो टूडे आई विल डिस्कस विद यू आई विल डिस्कस विद यू द फेज इज ऑफ सेक्शुअल टॉक अबाउट द सेक्शुअल टू पेरेंट्स वन इज द मेल और सेकंड इज फीमेल तो टूडे वी हैव गोइंग टू टेक वी आर गोइंग टू गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द फेज ऑफ सेक्शुअल रिपोडक्शन क्या कौन कौन सी फेज़ होती हैं सेक्शुअल रिपोडक्शन की आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा तो फर्स्ट फेज आती है सबसे पहले आता है हमारा कौन सी फेज आ रही है सबसे पहले हमारी आ रही है ज्वेनाइल फेज कौन सी आती है ज्वेनाइल फेज इसको हम बोलते हैं द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड सेक्शुअल मेचोरिटी अब एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही तो ऐसा नहीं होता कि उसमें हॉर्मोन्स वगैरह सब कुछ बन जाएंगे और सेक्शुअली एबल हो जाएगा वो रिप्रोड्यूस कर सकता है नहीं ना तो वो टाइम आने तक जितना भी होता है बर्ड्स से लेकर सेक्शुअल मेच्योरिटी आने तक का टाइम जितना भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा ज्वेनाइल फेज बोलते हैं इन प्लांट्स इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में क्या कहलाती है ये वेजिटेटिव फेज कहलाती है एंड इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज ये किसकी शुरुआत एक तरह से ये मार्क्स करती है अगर ज्वेनाइल फेज का क्या हो चुका है आपका एंड हो चुका है तो ये मार्क्स करती है कि अब स्टार्ट होने वाले आपका रिप्रोडक्टिव फेज जैसे हम ह्यूमन बींग्स में ही बात कर लें तो जब हमारी क्या आती है जब टीन एज स्टार्ट होती है तो तब वहाँ पर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं या हॉर्मोन्स होते हैं हमारे उनके डेवलपमेंट उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है तो तब उसको बोलते हैं कि जुराइल फेज चली गई है तो अगर ये चली गई है तो अब क्या शुरू हुआ है तो शुरू होगा सिंपल सी से बात है रिप्रोडक्टिव फेज आएगी नेक्स्ट फेज क्या आएगी बेटा रिप्रोडक्टिव फेज द सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन ए पर्टिकुलर सीज़न एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीज़न कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में देते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि हमेशा ही आप देखते हैं फ्लावर आते रहते हैं तो दैट मीन्स इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब एक कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतलब एक तरह से कंटिन्यूस ब्रीडर की तरह काम करते हैं मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कभी भी और कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि कुछ कैसे होंगे सीजनल जो फ्लावर देंगे मतलब कभी ए, पूरे साल दे रहा है या फिर कोई ऐसा है कि वो एक ही बार दे रहा है जैसे बैम्बो की बात करें बैम्बो बाँस के प्लांट को बोलते हैं तो इसकी जो स्पीसीज होती है बेटा ये ऐसा माना जाता है कि लाइफ में इस पर एक बार मतलब फ्लावरिंग आती है या फ्लावर्स आते हैं इस पर ठीक है तो अब ऐसे हर एक ऑर्नर से ऐसा नहीं होता कि अगर ऐसा हुआ करता तो फिर कैसे इतनी पॉपुलेशन होती ठीक है द नेक्स्ट इज मैंस्ट्रल साइकिल ठीक है फर्स्ट आपने पढ़ा जेनाइल सेकेंड आपने पढ़ा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज एंड द नेक्स्ट वन इज मैं साइकिल क्या रहा है नेक्स्ट मिनट आपका मैंट्रल साइकिल अब क्या होता है साइकिल इट अकर्स इन मंकीज एप्स एंड ह्यूमन बींग्स जो मंकीज होते हैं जो आपके एप्स होते हैं एपीज होते हैं ठीक है चिंपैंजीज वगैरह उनमें और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है मैंस्ट्रल साइकिल द साइकिल कंसिस्ट ऑफ थ्री फेज तीन फेज का बना हुआ है ये जिसमें कौन कौन सी है मैंस्ट्रल आता है प्रोलीफ्रेटिव आता है और सिक्रिटिव फेज आता है द ब्लड फ्लो इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल एंड द ब्रोकन एंड्रोमीट्रियम इज पासड आउट ड्यूरिंग द मैंस्ट्रेशन ठीक है ब्लड का फ्लो होता है और जो एंड्रोमीट्रियम की लेयर होती है वो मैंस्ट्रेशन uh, के टाइम पर वो पास आउट हो जाती है बाहर की तरफ दोबारा समझिए इसको ध्यान से समझिए कि होता क्या है मैंस्ट्रेशन मैंस्ट्रेशन बेटा अगर मैं बात करूँ ह्यूमन फीमेल्स में होता है तो ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है एक तरह से मतलब जो ब्लड है वो किसके मतलब एक तरह से वेजाइनल सिक्रीशन के थ्रू बाहर जाता है और वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि इम्प्योर है और इम्प्योर भी कैसा एक्चुअली वो होता है ओवा के फटने से वेन इनसाइड द यूट्रस द अनफर्टिलाइज ओवा विल ब्रस्ट इट विल सिक्रीट आउट थ्रू द विजाइना किसके थ्रू आएगा वो विजाइना के थ्रू बाहर आएगा और यही कहलाता है मैंस्ट्रल साइकिल अब इसमें क्या होता है पहले मतलब मैंस्ट्रल पीरियड एक स्टार्ट होता है फिर वो धीरे धीरे करके पोलिफ्रिट का मतलब होता है जो यूट्रस के अंदर की क्या होती है लेयर्स होती हैं यूट्रस है यूटरस के अंदर लेयर्स लगी हुई हैं सपोज दिस इज द यूट्रस एंड दीज आर द लेयर्स विच आर नोन एज द एंडोमीट्रियम लेयर ये एंड्रोमीट्रियम लेयर पॉलीफ्रिट करती है एंड दिस इज द दिस इज ओवा यू कैन से द अनफर्टिलाइज ओवा कैसा हो बेटा ये दिस इज यूट्रस प्रोलीफ्रिटिव मेम्ब्रेन एंडोमीट्रियम दिस इज अनफर्टिलाइज अभी अनफर्टिलाइज डवा क्या हो जाएगा फटेगा ब्रस्ट होकर ब्रस्ट होकर इसका सिक्रेशन विजा के थ्रू बाहर आएगा सो दिस इज नॉन एज मैंट्रेशन साइकिल तो किसमें मिलता है देखने में ये देखने के लिए मंकीज में एप्स में और ह्यूमन बींग्स में तो सबको जो भी ये टूटेगा सब बाहर आ जाता है मतलब जो एंडोमीट्रियम के लिए टूटी है वो भी बाहर आती है नाउ द नेक्स्ट इज ऑस्ट्र साइकिल क्या होता है ऑस्ट्राइकिल ऑस्ट्रो साइकिल आपको देखने को मिलता है नॉन प्राइमेट में ज्यादा प्राइमेट्स और जो नॉन प्राइमेट होते हैं जैसे काओ शिप आपका रेट हो गया डियर हो गया डॉग टाइगर इन सब में देखने को मिलता है इनमें बेटा इनमें अप्रॉक्सीमेट होता है जैसे प्राइमेट्स की बात करें तो यहाँ पर होता है ये चार से पाँच दिन के लिए होता है बट यहाँ पर ये यह होता है कुछ ही घंटों के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं ट्वेल्व टू तो ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए होता है और इनमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है कोई ब्लड फ्लो नहीं होगा कोई एंडोमेट्रियम बाहर नहीं जाएगी सारा का सारा रीअब्जॉर्ब कर ली जाएगी बॉडी के अंदर ही और इनमें ये एक माना जाता है कि मतलब फीमेल परमिट करती है किस टाइम पर ऑस्ट्रोसाइकिल के टाइम पर कॉपलेशन के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी टाइम पर होता है इनमें जब क्या चल रहा होता है इनका ऑस्ट्रोसाइकिल चल रहा होता है नाउ द नेक्स्ट और लास्ट इज सैनिसेंट फेज इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ठीक है सैनिसेंस का मतलब होता है एक तरह से नेचुरल डेथ भी इसको मानते हैं आप देख रहे हैं ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ और सैनिसेंट को हम क्या बोलते हैं डेथ भी बोलते हैं ठीक है नेचुरल डेथ और डेथ कहलाती है तो ये हो जाती है हमारी फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है वे विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे